Assalamu alaikum, how are you all? I hope you all are doing well. Welcome back to my YouTube channel. So, janab, aaj jo hai na main kar rahi hu BioFit cream ka review aur ye cream jo hai na bahut hi zyada zabardast hai. Ek dafa pehle bhi jo hai na maine aap logo ke sath iska review share kiya tha apne hi channel par. और अब जो है ना दोबारा से काफ़ी जो गर्ल्स हैं काफ़ी जो सब्सक्राइबर्स हैं मेरे वो इस बारे में पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना दोबारा से जो है ना वो इसकी वीडियो जो है ना वो रीशेयर की जाए आप लोगों के साथ. और ये क्रीम जो है ना बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, जो आपकी अनइवन टोन जो स्किन हो जाती है ना, यानी हल्की सी अगर हमारी हाफ जो चीक है ना वो हो जाती है वाइट, और हाफ जो है ना यानी हाफ जहाँ से हम कंटोर करते हैं वहाँ से लेकर और कान तक, वो स्किन जो है ना हमारी थोड़ी सी जो है ना वो ब्राउनिश सी हो जाती है. ठीक है, तो इस स्किन को जो है ना वो हम लोग कहते हैं अनइवन स्किन टोन. ठीक है, यानी एक कहीं से जो है ना हल्की सी वाइट और कहीं से जो है ना वो थोड़ी सी ब्राउन. ठीक है, तो ऐसी स्किन को जो है ना हम बोलते हैं अनइवन स्किन टोन. ठीक है, और जो एक जैसी स्किन हो तो उसको बोलते हैं इवन स्किन टोन. ठीक है, तो अनइवन स्किन टोन को जो है ना बायोफिट क्रीम जो है ना वो करती है जी इवन टोन, और यानी बिल्कुल एक जैसी टोन में जो है ना वो आपकी स्किन को ले आती है बायोफिट क्रीम. और जस्ट 3 से 4 दिनों के अंदर अंदर ना आपको वाजिया फ़र्क जो है ना वो महसूस होने लग जाता है. ठीक है, और अगर कहीं कई लोगों का जो है ना फेस पे जो है वो स्किन वाइट होती है फेस से, और जो उनका जो फोरहेड है वहाँ से थोड़ा सा टैन सा हो जाता है. ठीक है, अच्छा जी, तो प्राइस की बात की जाए तो प्राइस के हिसाब से जो है ना जब ये वाली क्रीम का रिव्यू मैंने किया था ना तब इसकी प्राइस थी 500 से 600 रुपीज़. तो पहले जो है ना इसकी क्रीम की प्राइस जो है ना बहुत कम थी. ठीक है, और अब जो है ना नाउ आर डेज इन आर रीसेंट डेट, ठीक है, इसकी प्राइस जो है ना 1000 से 1100 और 1200 के करीब करीब जो है ना इसकी प्राइस हो गई हुई है. ठीक है, सो अगर आप लोग इसको बाय करना चाह रहे हो, अगर आप सोच रहे हो कि आप इस क्रीम को बाय करो, तो आपके पास जो है ना 1200 तक जो है ना वो पैसे होने चाहिए और आप लोग इस क्रीम को ले सकते हो. ठीक है, और इस क्रीम के कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है. ठीक है, इसको आपने थोड़ा सा जो है ना यानी एक पी साइज़ अमाउंट इसकी आपने लेनी है और अपने पूरे फेस पे आपने इसको अप्लाई कर लेना. ठीक है, जस्ट ये नहीं कि आपने जहाँ पे आपकी स्किन जो है ना वो टैन है या अनइवन है तो वहाँ पे आपने अप्लाई करनी है. नो, आपने इसको बिल्कुल अपने पूरे फेस के ऊपर अप्लाई कर लेना है, अपने अंडर आई पर थोड़ा सा इसको अप्लाई कर लेना है. ठीक है, अच्छा जी, तो ये क्रीम जो है ना आइडियल है एवरी स्किन के लिए, एवरी टाइप ऑफ स्किन जो है ना उसके लिए ये क्रीम बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है. और ये क्रीम जो है ना वो क्या करती है, इट इम्प्रूव्स अपेयरेंस ऑफ द स्किन. ठीक है, ये आपकी जो स्किन है उसकी बैरूनी सतह को जो है ना बेहतर करती है और आपकी स्किन को यंगर और ब्राइटर करती है. ठीक है, अच्छा जी, तो अब बात करते हैं कि ये क्रीम जो है वो कौन कौन यूज़ कर सकते हैं. ये क्रीम सब यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, 15 से अबव एज के जो है ना वो वहाँ से लेकर तो 30, 40 यानी एवरी एज ग्रुप जो है ना आप लोग यूज़ कर सकते हो. मेन वुमेन दोनों के लिए क्रीम है. और दूसरा ये कि ये क्रीम हमने डेली बेसिस पे यूज़ करनी है जस्ट 1 मंथ के लिए. ठीक है, लेकिन अगर आप लोग 1 मंथ के बाद भी यूज़ करते हो तो आपने कोई और क्रीम यूज़ करनी है, कोई और मेडिकेटेड क्रीम यूज़ करनी है. ज़रूरी नहीं कि आप यही क्रीम जो है ना वो रिपीट करते रहें. ठीक है, मैंने अपनी अक्सर वीडियोज़ में ये कहा हुआ है कि हमेशा जब भी कोई हम लोग क्रीम यूज़ करते हैं उसके रिज़ल्ट हमें तब मिलते हैं जब हम क्रीम्स जो हैं उनको चेंज करते रहें. ठीक है, हमेशा एक क्रीम को जो है ना वो यूज़ करना हमारी स्किन को, हमने उसकी स्किन को जो है ना आदत नहीं डालनी होती. ठीक है, तो अपनी स्किन पे जो है ना क्रीम्स जो हैं वो थोड़ा बहुत चेंजिंग कर और उन क्रीम्स को यूज़ करें. ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि इसका जो टेक्सचर है ना वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है. थोड़ी सी आपने इसकी क्वांटिटी लेनी है, तो इस तरह से जिस तरह मैं अपने हाथों के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ ना, इस तरह से आपने अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लेना है. और रात को आपने जो है ना वो सोने से 1 घंटा 2 घंटे पहले इसको अप्लाई करना है. ठीक है, तो ताकि आपकी जो स्किन है ना उसके अंदर जो है ना ये अब्सॉर्ब हो जाए. हम लोग रात को बिल्कुल सोने से 5 मिनट पहले क्रीम्स जो है ना वो अप्लाई करते हैं. उससे ये होता है कि क्रीम्स जो है ना वो हमारे पिलो पर लग जाती हैं,
सारी और हमारी स्किन के अंदर पेनिट्रेट कम होती है, ठीक है। तो आपने घंटा या 2 घंटे 1.5 घंटे पहले जो है ना, हमेशा कोई भी क्रीम इस्तेमाल करें उसको घंटा 1.5 घंटा पहले अप्लाई करें, ताकि वो अच्छी तरह से आपकी स्किन पे एब्जॉर्ब हो जाए, पेनिट्रेट हो जाए। उसके बाद जो है ना, जब आप सोएंगे तो अगर आपके पिलो पे लग भी जाएगी, लेकिन रिजल्ट्स जो हैं वो आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। सो ये था जी आज का मेरा रिव्यू। आई होप कि आपको आज का रिव्यू पसंद आया होगा। और मज़ीद आप लोग कौन कौन सी वीडियोस पर क्रीम्स पर वीडियोस देखना चाहते हो, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।